नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने निशाना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके अपनी आवाज़ आप तक पहुंच सके। इसके साथ में लगे घंटे को दबाइए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से निशाना पर। रोडवेज की हड़ताल 16 तारीख से चली हुई है। सरकार हर बार विज्ञापन देती है अखबारों में कि रोडवेज की हड़ताल क्या जायज़ है। हम रोडवेज के कर्मचारियों के जो नेता हैं उनसे सवाल करेंगे कि सरकार जो जनता से कह रही है कि जो सरकारी ये प्राइवेट बसें जो आएंगी इसमें कर्मचारियों का कोई अहित नहीं है, जनता का कोई अहित नहीं है, न ही रोडवेज विभाग का कोई अहित है। तो हम कर्मचारी नेता से जानना चाहेंगे कि इनके जो सरकार की जो ये विज्ञापन है, एक तरह से विज्ञापन तो है ये सरकारी खर्चे पर जनता के पैसों से, लेकिन सरकार हो सकता है इनसे बरगला रही हो जनता को। तो हम कर्मचारी नेताओं से ही जानना चाहेंगे कि क्या सरकार सही कह रही है, जिसमें सरकार पहला सवाल ये कर रही है कि ये जो स्कीम है कोई निजीकरण की नहीं है बल्कि सिर्फ रोडवेज के बेड़े में अतिरिक्त बसें किराए पर लेकर शामिल करने की है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नमस्कार साथियों, ये क्वेश्चन अपने आप में ही बताता है कि हम रोडवेज के बेड़े में बसें हायर कर रहे हैं और उस पर सरकारी परिचालक होगा, बाकी मालिक का ड्राइवर होगा, गाड़ी मालिक की होगी। देखिए, रोडवेज के बेड़े में जो बसें आती है उस पर एक बस पर 7 बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। ये अपने आप में तय करता है। निजीकरण किसे कहते हैं? निजीकरण उसी जो कहते हैं जिसमें रोजगार कम हो। इसमें देखिए, एक आदमी हमारा रोजगार पे है, बाकी सब कुछ मालिक का है, सारा मुनाफा मालिक को जाएगा और 6 एक बस पर 7 को रोजगार मिलता है, 6 बेरोजगार हो जाएंगे। और निजीकरण किसे कहते हैं? क्यों बरगला रहे हैं ये जनता को झूठ बोल करके? अगला सवाल है कि इस स्कीम के लागू होने से परिवहन विभाग के किसी भी कर्मचारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? अरे निश्चित तौर पर ये तो तय है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 5 कर्मचारियों की तो छुट्टी हो जाएगी, वर्कशॉप का काम मालिक बाहर कराएगा, हमारी तो वर्कशॉप बंद हो जाएगी इससे, और क्लैरिकल का स्टाफ कम हो जाएगा, सफाई कर्मचारी कम हो जाएंगे, ये तो छोटे कर्मचारियों पर गाज गिरेगी इसकी। इसके अलावा जो सरकार अगले सवाल में कहती है कि जो परिचालक होगा वो रोडवेज विभाग का होगा और जो टिकटें हैं वही जारी करेगा, जिससे जो राजस्व आएगा, पैसा आएगा, वो सरकारी विभाग में, मतलब रोडवेज के विभाग में जमा होगा। देखिए, निश्चित तौर पे परिचालक ये कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए थोड़े से दिनों में जिस प्रकार से मेट्रो है, मेट्रो में जो टोकन दिया जाता है कुछ दिनों के बाद ये परिचालक को भी निकालेंगे। वो एक मेट्रो सिस्टम की तरह टोकन तय करेंगे, खिड़की का लगाएगा सवारी उतर जाएगी, खिड़की का लगाएंगे सवारी चढ़ जाएगी, मतलब परिचालक विहीन बसें होंगी। दूसरी बात, जहाँ तक ये कह रहे कि इस पर खजाने में जाएगी, लेकिन खजाने में आय पहुँचाना चाहती है सरकार, फिर भी हमारे मतलब प्राइवेट बस के मुकाबले 3 गुना आय खजाने में पहुँचा रहे हैं सरकारी बसों से। प्राइवेट बस सिर्फ 12,000 रुपये महीने में टैक्स देती है, लेकिन रोडवेज की जो लोकल से लोकल बस जिसकी इनकम सबसे कम है वो भी 27,000 रुपये महीने से कम नहीं दे रही। ये गुमराह करने वाली बात है कि रोडवेज के खजाने में प्राइवेट बसों से आय बढ़ेगी। अब भी आय जो है रोडवेज की बसें ही ज़्यादा टैक्स के रूप में सरकार में जमा करा रही हैं। इसके अलावा आगे कहते हैं कि इस योजना के संचालन से मार्ग पर बसों का आवागमन बढ़ेगा जो यात्री और सरकार के हित में होगा। अरे देखिए, अगर बसों का आवागमन बढ़ाना है, आप 10,000 बसें लीजिए रोडवेज के अंदर, 70,000 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। आप देखेंगे कि प्राइवेट बसों में दिल्ली में जो लड़की के साथ जो कांड हुआ था उसके बाद अनेकों कांड दे सकते हैं। वो ड्राइवर जो भर्ती करेगा, जो मालिक है, वो अनट्रेंड ड्राइवर होगा, वो थोड़े पैसे में रखेगा, 8,000 में रखेगा, वो कुछ 8,000 में काम करने वाला नशे का आदि भी होगा। इस प्रकार से एक्सीडेंट प्राइवेटों के हो रहे हैं बहुत ज़्यादा रोड पर, आप देखोगे दिनों दिन रोडवेज की बसों के एक्सीडेंट नहीं, क्योंकि हम पहले भी रोडवेज के कम एक्सीडेंट में पूरे देश में प्रथम आए, पूरी दुनिया देश में प्रथम है, बाकी के जितने दायरे उनके एक्सीडेंट रोडवेज के एक्सीडेंट से ज़्यादा है। इस योजना में जो बस का चालक होगा वो निजी बस मालिक का होगा और उसकी मरम्मत, उसका वेतन, बीमा, जीएसटी, टैक्स, रखरखाव सब ट्रांसपोर्ट द्वारा ही वहन किया जाएगा। निश्चित तौर पर जो वेतन की बात करते हैं, अगर वेतन सरकार ने देना ही है तो फिर बस प्राइवेट क्यों? आप लोगों को जो गुमराह करने की बात है कि हमारे नौजवान को नौकरी देनी है तो सरकार क्यों नहीं दे रही, मालिक के द्वारा क्यों दे रही है?
सीधी नौकरी दीजिए और रोडवेज में, अगर आप रोडवेज में एक अच्छा वेतन देंगे तो उसकी जिम्मेवारी भी बढ़ेगी जनता के प्रति। अगर आप 5 और 6 हज़ार रुपये देंगे तो उसकी जिम्मेवारी क्या होगी आप देख लीजिए। जितना कम वेतन होगा उतनी जिम्मेवारी कम समझता है मानस, जितना ज़्यादा वेतन रहन सहन ठीक होगा वो समाज में उसकी इज्जत होगी उतना ही जनता के साथ अच्छा व्यवहार करता है, आप देख लीजिए उदाहरण पहले से। इसमें कह रहे हैं कि जो रोडवेज जो बसें होंगी निजी बसें उनमें जो डीजल की खपत होगी उसका खर्चा भी मालिक वहन करेगा। हाँ निश्चित तौर पे किलोमीटर स्कीम पे डीजल का वहन अब भी रोडवेज वहन करती है, क्योंकि एक बार तो बीच में आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर 10 रुपये सस्ता मिलता था प्राइवेट व्हीकलों को, जानबूझ करके सरकार ने सरकारी दायरे जो तेल लेती थी 10 रुपये लीटर ज़्यादा हमारे को तेल दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी किलोमीटर हमारी इनकम 25 रुपये पर किलोमीटर है और जो हायर कर रही है वो 38 रुपये से 42 रुपये तक पर किलोमीटर पर हायर कर रही है। हमारी बस 25 रुपये किलोमीटर में चलती है, बाकी का जो 20-21 रुपये जो बच गया वो रोडवेज में हमारी जो बसें बचेंगी उनकी कमाई से हम उस मालिक की भरपाई कर पाएंगे उस डीजल का खर्चा। अभी जो आपने कहा कि जो ये किलोमीटर का जो खर्चा है इसमें सरकार आगे भी यही कहते हैं कि इस योजना के तहत जो परिवहन विभाग का जो औसत खर्चा होगा वो 34 रुपये प्रति किलोमीटर होगा, जबकि हरियाणा रोडवेज की बसों का खर्चा 45 से 49 रुपये प्रति किलोमीटर है। इससे सरकार को कम से कम यानी कि 14 रुपये प्रति किलोमीटर की बचत होगी। देखिए सरकार गुमराह कर रही है, आज हरियाणा रोडवेज जो बेहतर सेवा दे रही है 42 कैटेगरी ऐसी हैं जिनको हम रियायती दरों पर फ्री में सुविधा दे रहे हैं। जिस प्रकार से लड़कियां देखिए हरियाणा के अंदर बिल्कुल फ्री पास बनता है और पहले 60 किलोमीटर था अब 150 किलोमीटर कर दिया गया, हमें विरोध नहीं है जनता का, बिल्कुल सुविधाएं दे, लेकिन सरकार जिसको सब्सिडी देती है वो सब्सिडी के तौर पे 662 करोड़ रुपये सालाना बैठते हैं। अगर उस सब्सिडी को हमारी इनकम में जोड़ दिया जाए तो ये जो घाटे का नाम ले रही है सरकार, ये घाटा बचता ही नहीं। इसके अलावा भी हमारे पास 4000 बसें हैं, आलीशान बिल्डिंगें बस स्टैंडों की हैं, हजारों एकड़ जमीन पड़ी है, कर्मशालाएं हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए का धन हमारे पास है। जो सरकार ने हमें बस मुहैया कराई उनके पैसे सुधा ब्याज हम सरकार में जमा करा रहे हैं। जनता को गुमराह करने की बात करती है कि रोडवेज घाटे में है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ निश्चित तौर पर रोडवेज घाटे में नहीं। जहाँ तक 34 रुपये किलोमीटर की बात आए कि आप ऊपर से देखिए, ये कुछ अगर घाटा भी थोड़ा बहुत हो रहा है तो उच्च अधिकारी और सरकार की वजह से, वो बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं चेसिस खरीदते हैं उसमें कमीशन जैसे घोटाले भी मिलेंगे, इसकी जांच करनी चाहिए। निश्चित तौर पर अगर रोडवेज का कोई भी पुर्जा कल पुर्जा बस खरीदनी है तो रोडवेज यूनियनों की कमेटी बनाइए, निश्चित तौर पर इस तरह की धांधलियों को हम रोक पाएंगे। अगले सवाल में है कि इन बसों का डिजाइन व कलर स्कीम हरियाणा रोडवेज की बसों की तरह होगा, डिजाइन से इस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, यात्रियों को सुविधाएं चाहिए रियायती दरों पर चाहिए, डिजाइन से उन्हें कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा जो बात आई गई है कि 40 विभिन्न तरह की श्रेणियों में रियायत दी जाएगी, रोडवेज के कर्मचारी नेता भी यही कहते हैं कि जो रियायत दी जाती है उनमें 662 करोड़ सालाना 662 करोड़ सालाना का सब्सिडी दी जाती है जो कि गवर्नमेंट को हरियाणा रोडवेज को पे करनी चाहिए। अभी सरकार कह रही है कि जो प्राइवेट बसें आएंगी उनमें वो 40 रियायती दरों पर उसी तरह से यात्रा होगी, तो क्या जो वो सब्सिडी है वो उन निजी मालिकों को मिलेगी? अगर निजी मालिकों को ही देनी है तो वो रोडवेज विभाग को क्यों नहीं दे रही? ये जो सवाल जवाब हुए जनता खुद तय करे कि सरकारी बसों पर रोजगार बढ़ेगा या निजी बसों पर बढ़ेगा। बने रहिए निशाना के साथ, धन्यवाद।